आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके साथ वास्तु की कुछ आवश्यक जानकारी शेयर करेंगे। वास्तु शास्त्र में जीवन को बेहतर बनाने और नकारात्मकता को दूर रखने के तरीके बताए गए हैं। इसमें घर की दिशाओं और वस्तुओं को शुभ और अशुभ घटनाओं से जोड़ा गया है। यदि घर में सारे काम वास्तु के अनुसार किए जाएं तो इंसान खुद ब खुद तरक्की की सीढ़ी चढ़ने लगता है, लेकिन वास्तु से जुड़ी एक छोटी सी गलती भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। आइए आज इस पोस्ट में जानते हैं जाने अनजाने होने वाली ऐसी 5 गलतियों के बारे में जिनके वास्तु में बहुत बुरे नतीजे बताए गए हैं। शुरुआत करते हैं घर के बाथरूम से। अक्सर लोग बाथरूम में कपड़े धोने के बाद बाल्टी में बचा पानी यूं ही छोड़ देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। बाल्टी में गंदा पानी भरकर रखने से हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी हो सकता है। घर की सुख शांति भंग हो सकती है। और इसी के साथ यदि आप नहाने के बाद तेज धार वाले किसी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। वास्तु के अनुसार नहाने के बाद कभी नेल कटर, ब्लेड या रेजर जैसे धारदार उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है और बहुत अशुभ हो सकता है। और घर के बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी ना रखें। वास्तु के अनुसार बाथरूम में रखी बाल्टी या टब को हमेशा पानी से भरकर रखें। यदि आप इन्हें पानी से भरकर नहीं रख सकते हैं तो इन्हें उल्टा करके भी रखा जा सकता है। ऐसा करने से आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। हम में से अक्सर सारी महिलाएं नहाने के तुरंत बाद या बाल धोने के तुरंत बाद मांग में सिंदूर भरती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को नहाने या बाल धोने के तुरंत बाद मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने वाली महिलाओं पर बहुत बुरा असर हो सकता है। उनके मन में बुरे विचार जगह बना सकते हैं। घर की सुख शांति भंग हो सकती है। पारिवारिक कलह बढ़ सकते हैं। तो नहाने के तुरंत बाद कभी भी मांग में सिंदूर ना लगाएं। और आखिरी बात, नहाने के बाद बाथरूम के फर्श को वाइपर से अच्छी तरह साफ करें। बाथरूम का सरफेस हमेशा गीला रहने से घर को आर्थिक तंगी घेरती है। साथ ही बाथरूम को गंदा ना रखें और सभी चीज़ों को सही स्थान पर ही रखें। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई। और इस पोर्ट से आपसे हम अब आज्ञा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात ऐसी किसी नई पोस्ट के साथ फिर होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।